हेलो दोस्तों, मैं आशीष, आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कुछ ऐसे करियर ऑप्शन जो कि 12th क्लास के बाद जो बायोलॉजी स्टूडेंट्स हैं वो ऑप्ट कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे करियर ऑप्शन हैं, मैंने रिसर्च किया तो मुझे ऐसे ऐसे करियर ऑप्शन मिले जो कि मैंने कभी सुना भी नहीं था। ठीक है, तो बहुत सारे करियर ऑप्शन हैं, इसमें बहुत अपॉर्चुनिटी है, इसमें मतलब फ्यूचर में जाके आप बहुत कुछ इसमें गेन कर सकते हो, बहुत नॉलेज भी गेन कर सकते हो। तो मैं एक कंप्लीट सीरीज़ बनाने वाला हूँ, हर टॉपिक के ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो में फ्यूचर में लाने वाला हूँ। ठीक है, तो अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आएगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन भी दबा देना ताकि हमारी नई वीडियो जब आए तो आपको नोटिफाइड हो जाए। तो अभी स्टार्ट करते हैं। तो बायोलॉजी स्टूडेंट का सबसे पॉपुलर करियर ऑप्शन जो होता है वो है कि एक MBBS डिग्री, MBBS की डिग्री जो कि आपको डॉक्टर बनाती है, वो कि 4.5 इन 5 ईयर्स का कोर्स होता है जिसकी वजह से आप डॉक्टर बनते हो। तो डॉक्टर बनना इतना इजी नहीं है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है डॉक्टर फील्ड में। एक साल में कम से कम 17-18 लाख बच्चे एग्ज़ाम्स देते हैं और हार्डली 50 से 1 लाख तक का सीट अवेलेबल होता है। तो क्या MBBS कर सकते हो? अगर किसी को MBBS में सीट नहीं मिलता तो उसके लिए कोई अल्टरनेटिव ऑप्शंस भी है, इसी वीडियो में बने रहना। तो सेकंड करियर ऑप्शन हमारा जो आता है वो है BDS। BDS मतलब कि बैचलर इन डेंटल साइंस। तो डेंटल्स जो डेंटिस्ट जो होते हैं उनको वो लोग ये कोर्स करते हैं ताकि वो डेंटिस्ट बन सके। तो डेंटिस्ट भी एक डॉक्टर की तरह ही कोर्स है क्योंकि आपके दांतों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट कोर्स है। मतलब डेंटिस्ट का आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड हो चुका है क्योंकि लोग जो है कि अंडरस्टैंड खाते रहते हैं, डेंटिस्ट के बाजार जाना बहुत कॉमन हो चुका है, लोग डेंटिस्ट के पास बहुत जाते रहते हैं। और डेंटिस्ट को लोग ये भी नहीं समझते हैं कि डेंटिस्ट भी एक रिप्यूटेड कोर्स है। ठीक है, तो डेंटिस्ट भी आप ऑप्ट कर सकते हो। नेक्स्ट तीसरे नंबर पर हमारा आता है होम्योपैथी। होम्योपैथी आपने भी बहुत सुना होगा कि जो MBBS जो डिग्री होता है वो एक्चुअली एलोपैथी में होता है और जो होम्योपैथी में होता है वो होता है BHMS। ठीक है, BHMS होता है वो होम्योपैथी के लिए होता है। होम्योपैथी बेसिकली क्या होता है कि बहुत स्लो प्रोसेस होता है। आपने कभी मीठी मीठी गोलियाँ खाई होगी तो वो होम्योपैथी डॉक्टर से आपको देते हैं, वो होम्योपैथी की मेडिसिन होती है। वो मीठी गोली मतलब वो होती है शुगर बॉल्स होती है, उसको बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा फोर्थ नंबर पर जो आता है वो है यूनानी। यूनानी मतलब आपने सुना भी होगा कभी, बहुत यूनानी एक्चुअली बहुत पुराना कोर्स है, ये बहुत पुराने तरीके का साइंस है, मेडिकल साइंस है जिसके वजह से आप कर सकते हो, इसमें भी डॉक्टर बन सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या कोर्स करना होता है? BUMS। तो ये हमारा कोर्स होता है, ये एक्चुअली BUMS की डिग्री जो कि आप यूनानी डॉक्टर बन सकते हो। यूनानी आजकल क्या होता है कि थोड़ा सा लो रेप्यूटेड है, मतलब तो इतने लोग ऑप्ट नहीं करना चाहते हैं क्योंकि इसमें इतना स्कोप आगे नहीं है, इसीलिए बहुत लोग इसको एज ए करियर ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करते। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर पे हमारा आ जाता है कि आयुर्वेदा। आयुर्वेदा आपने बहुत सुना होगा, रामदेव बाबा के बारे में तो सुना ही होगा। ठीक है, तो वो आयुर्वेदा फील्ड में है पर डॉक्टर नहीं है, वो कोई डॉक्टर वो नहीं है, बट वो आयुर्वेदा फील्ड में है। तो आयुर्वेदिक क्या होता है कि जो कि नेचुरल प्रोसेस से आपको ट्रीटमेंट दिया जाता है तो उसको आयुर्वेदिक बोला जाता है। आयुर्वेदिक में मतलब जैसे कि कोई भी प्लांट, मेडिसिनल प्लांट्स होता है उसके थ्रू आपको ट्रीटमेंट दिया जाता है, वो भी कोई भी फिजिकल मतलब कोई भी केमिकल्स उसमें एडेड नहीं होते, क्योंकि नेचुरली जो अवेलेबल होता है उसके थ्रू आपको ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो इसके लिए जो डिग्री होता है वो होता है BAMS। तो BAMS जो डिग्री होती है वो आपको वो एक आयुर्वेदिक डॉक्टर बना सकती है। आयुर्वेदिक का बहुत फ्यूचर है क्योंकि फॉरेन कंट्रीज़ में आजकल लोग आयुर्वेदिक ऑप्ट कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आयुर्वेदिक में क्या होता है कि आपको कम ज़्यादा टाइम लगता है बट क्या होता है कि उसमें ज़्यादा इफेक्टिव भी होता है वो। तो नेक्स्ट सिक्स नंबर पर हमारा आता है कि फार्मेसी। फार्मेसी जो होता है वो होता है कि जो मेडिसिन के बारे में पढ़ते हैं, जो कि मेडिसिनल साइंस के ऊपर जो होता है उसको बोलते हैं फार्मेसी। तो फार्मेसी में भी 3 डिग्री होती हैं, डिप्लोमा, बैचलर्स एंड डॉक्टरेट डिग्री। तो BPharm, DPharm एंड फार्म डी जो होता है वो डॉक्टरेट डिग्री होता है, जिस 6 साल का कोर्स होता है जिसमें कि आपको एक डॉक्टरेट की डिग्री दी जाती है। नेक्स्ट 7th नंबर पे आते हैं कि पारामेडिकल कोर्सेज। पारामेडिकल कोर्सेज भी आप कर सकते हो, इसमें भी आपको का अच्छा स्कोप है फ्यूचर में। ठीक, नेक्स्ट 8th नंबर पे आता है वेटरनरी। वेटरनरी जो होता है वो क्या कहते हैं कि जो एनिमल्स को जो ट्रीट करते हैं उनको जो ट्रीटमेंट देता है वो डॉक्टर को बोलते हैं वेटरनरी डॉक्टर। तो ये आप भी कर सकते हो, इसका नीट के थ्रू ही इसका कोई कोई कॉलेज में एडमिशन होता है। तो 9th नंबर पे हमारा आ जाता है नर्सिंग की डिग्री। नर्सिंग की डिग्री क्या होती है कि नर्सिंग जो नर्स जो होते हैं, आपने हॉस्पिटल्स में देखा होगा जो कि नर्स होते हैं,
जो कि आपकी देखभाल करते हैं, आपको जो देते हैं उनको नर्स बोला जाता है। नर्स बहुत अच्छा डिग्री है, मतलब तो आपको उसमें इसका कभी ये फ्यूचर इसका बहुत अच्छा है, इसका फ्यूचर कभी ख़त्म नहीं होने वाला, क्योंकि हर हॉस्पिटल में हर क्लिनिक में एक नर्स चाहिए होता है जो कि डॉक्टर के साथ आपको असिस्ट करके आपको ट्रीटमेंट दे सके। ठीक है, तो नर्स के लिए आपको कहते हैं BSc नर्सिंग होता है, इसके ये 4 साल का डिग्री होता है, तो ये आप कर सकते हो, तो ये भी एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है। तो 10th नंबर पे हमारा होता है फॉरेंसिक साइंस। तो फॉरेंसिक साइंस क्या होता है कि फॉरेंसिक साइंस वो कोर्स होता है, वो डिग्री होती है जो कि फॉरेंसिक मतलब किसी की डेड बॉडी को जांच करना, या फिर फिंगरप्रिंट्स के बारे में पढ़ना, या फिर DNA के बारे में पढ़ जानना। ठीक है, ये क्या होता है कि क्राइम सीन्स को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारा जो है वो है कि CID, आपने कभी देखा होगा, तो उसमें डॉक्टर सालों की जो है वो बहुत ही पॉपुलर है ऐसे, तो वो भी एक फॉरेंसिक साइंस के डॉक्टर है, तो वो वही कहते हैं जो क्राइम सीन्स में जो की होती है, जो कि फॉरेंसिक जो क्राइम मतलब जो भी एविडेंस मिलता है तो उनको फॉरेंसिक साइंस में किया जाता है। कॉलेजेस होते हैं इसके, बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस भी हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स भी हैं इसमें, तो आप जाके इसके बारे में रिसर्च कर सकते हो। मैं फ्यूचर में भी इस सब के बारे में डिटेलली वीडियो बनाने वाला हूँ। तो 11th नंबर पे जो डिग्री आती है वो है साइकोलॉजी की डिग्री। साइकोलॉजी की डिग्री प्रेफरली जो स्टूडेंट जो आर्ट्स लिए होते हैं वो करते हैं, बट हाँ आप बायोलॉजी स्टूडेंट हो आप भी साइकोलॉजी की डिग्री कर सकते हो। साइकोलॉजी की डिग्री क्या होती है कि जो मेंटल हेल्थ के ऊपर जाने तो उनको साइकोलॉजिस्ट बोला जाता है, तो आप साइकोलॉजी की डिग्री कर सकते हो, बहुत अच्छा फ्यूचर है इसका। आजकल जितने भी टेंशन तनाव भरे ज़िंदगी है तो उसमें साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत बहुत पड़ती है, तो बहुत लोग साइकोलॉजिस्ट को अपॉइंट करते हैं, उनको असिस्ट भी करते हैं। ठीक, तो आप जाके चेक कर सकते हो। तो 12th नंबर पे हमारा आता है एग्रीकल्चर की डिग्री। एग्रीकल्चर बहुत बड़ा डिग्री है, मतलब तो बहुत पॉपुलर डिग्री भी है। हमारा जो देश है वो कि जो खेती बाड़ी का देश होता है हमारा, तो उस देश में हमारे एग्रीकल्चर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। एग्रीकल्चर के बारे में मोस्टली बहुत ज़्यादा बच्चे जाते भी हैं, कोर्स करते भी हैं, और इसके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज भी गेन करते हैं। खाली एग्रीकल्चर नहीं, उसके अंदर आता है हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, फिशरी, बहुत कुछ आता है उसके अंदर, आप जाके चेक कर सकते हो। तो एग्रीकल्चर अच्छा ऑप्शन है फ्यूचर को देखते हुए, तो आप ऑप्ट कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं हमारे, तो 13th 14th तो हमारा हॉर्टिकल्चर एंड फ्लोरिकल्चर। हॉर्टिकल्चर फ्लोरिकल्चर क्या था कि वो सब डिविजन्स है एग्रीकल्चर के ही। तो हॉर्टिकल्चर होता है प्लांट्स का स्टडी, और जो फ्लोरिकल्चर होता है वो फ्लावर्स का स्टडी होता है। ठीक, तो ये बेसिक डिफरेंस हमने बता दी। 15th नंबर पे आ जाते हैं बैचलर्स ऑफ ऑडियोलॉजी स्पीच लैंग्वेज साइकोलॉजी। बहुत बड़ा नाम है, बट हाँ ये डिग्री भी एग्जिस्ट करता है, ये अननोन डिग्री है, बहुत कम लोगों को पता है इस डिग्री के बारे में। तो ये डिग्री होती है BASLP, ये डिग्री होती है, ये डिग्री का नाम है, तो बहुत अच्छा डिग्री। इसको मैंने रिसर्च जब किया तो पता चला कि बहुत अच्छी डिग्री है। जो स्पीच थेरेपिस्ट होते हैं वो बेसिकली ये डिग्री करते हैं। ठीक है, तो ये अच्छा फ्यूचर के लिए भी अच्छा ऑप्शन हो सकता है जो बच्चा करना चाहता है। तो 16th नंबर पर आता है न्यूट्रिशनिस्ट। तो न्यूट्रिशनिस्ट क्या होता है कि न्यूट्रिशन होता है जो हमें कंज्यूम करते हैं, जो कि हमको हमें हर हर ह्यूमन के लिए अलग अलग न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट होता है। तो ये क्या होता है कि ये इसकी स्टडी से आपको पता चलता है कि आपके बॉडी में कितना न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड होता है, कौन से फूड में कितना न्यूट्रिशन होता है, कैसे होता है। ये आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि जो फिटनेस जो कि एंथुसियास्ट है वो ज़्यादातर न्यूट्रिशनिस्ट को हायर करते हैं, ताकि जानने के लिए कि कैसे उनके बॉडी में मेटाबॉलिज्म होता है, कौन सा फूड उनके बॉडी को सूट करता है, कौन सा वेट लॉस करता है, कौन सा वेट गेन करता है, कौन सा बॉडी बिल्डिंग के लिए अच्छा होता है। ठीक, बड़े बड़े स्पोर्ट्स पर्सन न्यूट्रिशनिस्ट को हायर करते हैं ताकि अपने फिटनेस अपने हेल्थ का ध्यान रख सके। आजकल जैसा चल रहा है तो न्यूट्रिशनिस्ट बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं, कि अपने जो कि डाइट को कंट्रोल करते हैं, कैसे लोग डाइट को कंट्रोल करेंगे, फूड जिसने अनहेल्दी फूड होते हैं उनको कैसे कंट्रोल किया जाए, वो सब आप इस डिग्री में जान सकते हो। नेक्स्ट 17th नंबर पर आता है हमारा कुछ BSc की डिग्री। BSc हमारा क्या होता है कि ये एक नॉन प्रोफेशनल डिग्री है, जनरल डिग्री होता है, मैंने जितने भी आपको ये सब बताया ये सब प्रोफेशनल डिग्रीज हैं। तो खाली BSc हमारा एक है कि जो नॉन प्रोफेशनल डिग्री है, जनरल डिग्री बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है कि बहुत कम प्रैक्टिकल नॉलेज होता है, ज़्यादातर थियोरिटिकल नॉलेज होता है, जिससे कि आपको जानना है।
तो बीएससी कौन कौन से सब्जेक्ट में कर सकते हो? केमिस्ट्री फिजिक्स में कर सकते हो आप, फिर उसके बाद आ जाता है हमारा जूलॉजी बॉटनी, इन सब छोटे मोटे जो बीएससी कर सकते हो। बीएससी एक्चुअली होता है 3 साल और 4 साल का कोर्स होता है। बीएससी ऑनर्स जो होता है वो 4 साल का कोर्स होता है, बीएससी जो होता है वो 3 साल का कोर्स होता है। नेक्स्ट हमारा आता है 18th नंबर हमारा क्या होता है, फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी के बारे में आपने कभी सुना होगा, फिजियोथेरेपिस्ट जो होते हैं वो क्या कहते हैं कि आपके बॉडी के बोन्स को जो होते हैं, मतलब जो भी कहीं पे अगर पेन हो गया, कहीं पे कुछ दर्द हो रहा है, तो फिजियोथेरेपिस्ट क्या कहते हैं कि मसाज करते हैं, मालिश करते हैं, जिससे कि आपका बॉडी के जो पे जहाँ पे पेन होता है वो कम हो जाता है। खाली इतना भी नहीं होता, बहुत कुछ होता है इसके अंदर। आपको अगर पढ़ाई करोगे इसके बारे में तो आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे जो डिग्री का नाम होता है वो तो बीपीटी डिग्री होते हैं, ठीक है, बैचलर इन फिजियोथेरेपी। बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर होने वाला है इसको भी, ये भी एक डॉक्टरेट की डिग्री है। हर हॉस्पिटल में एक फिजियोथेरेपिस्ट होता ही है। ताकि तो 19th नंबर पर आता है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी आपने कभी सुना ही होगा, बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी को मिला के बायोटेक्नोलॉजी होता है। ये भी मॉलिकुलर लेवल स्टडी होता है, ये भी बहुत ही छू, ठीक है। तो ये इसकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा फॉरेन कंट्रीज़ में होती है, इंडिया में बहुत कम है। तो आप अगर कर सकते हो तो, अगर आप इंडिया में बायोटेक्नोलॉजी करके आप फॉरेन भी शिफ्ट हो सकते हो, बहुत ज़्यादा करियर ग्रोथ है इसमें, ठीक है। तो 20th नंबर पर आ जाता है हमारा नेचुरोपैथी एंड योगा। ठीक है, नेचुरोपैथी एंड योगा आपने कभी सुना नहीं होगा। नेचुरोपैथी एंड योगा क्या होता है कि आपको नेचुरल साइंस होता है इसमें। योगा जो होता है आपने कभी सुना होगा, योगा जो होता है, योगा एक्सरसाइजेस जो होते हैं वो सब इसमें इंक्लूडेड होता है। ये डिग्री होती है, ये 4 साल की डिग्री है, इसमें आपको ये सब बताया जाता है, ये सब आपको की इंफॉर्मेशन दी जाती है, ठीक है। तो ये होता है, इस डिग्री का नाम है BNYS, ठीक। तो 21 नंबर पर हमारी जो डिग्री आती है वो होती है एनवायरमेंटल साइंस की डिग्री। तो ये बैचलर इन साइंस होता है, ये जनरल डिग्री होती है, कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं है। एनवायरमेंट के बारे में स्टडी करना, उसको जानना, उसको ऊपर रिसर्च करना, तो ये सब एनवायरमेंटल साइंस की डिग्री में होता है, ठीक है। तो आप इसको ऑप्ट कर सकते हो, बहुत अच्छा करियर है इसमें, करियर ग्रोथ भी ज़्यादा दिखाई देता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा आता है माइक्रोबायोलॉजिस्ट। माइक्रोबायोलॉजिस्ट आपने कभी सुना भी होगा। तो माइक्रोबायोलॉजिस्ट क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो स्टडी करता है, उसके बारे में जो रिसर्च करता है, तो उसको बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट। माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी आजकल बहुत ज़्यादा डिमांडिंग में है, हर करियर फील्ड में आपको माइक्रोबायोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। आप देख लो, अगर कोई भी मेडिकल लाइन हो गया तो उसमें माइक्रोबायोलॉजिस्ट की एक बहुत ज़्यादा अच्छी सी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजिस्ट आप बन सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है 23rd नंबर पे फूड टेक्नोलॉजी। फूड टेक्नोलॉजी आपको पता ही होगा, फूड जो हर इंसान को चाहिए होता है, फूड की ग्रोथ कभी कम नहीं होती है, हमेशा फूड का ग्रोथ बढ़ता रहता है। तो आप एक फूड टेक्नोलॉजी कर सकते हो। बीएससी फूड टेक्नोलॉजी होता है और बीटेक फूड टेक्नोलॉजी होता है। तो फूड टेक्नोलॉजी में आपको खाना, मतलब हर प्रोडक्ट का कॉम्पोजिशन, उसका प्रोडक्शन, वो सब सिखाया जाता है। अगर आपको इंटरेस्ट है फूड के ऊपर ज़्यादा करना, तो आप चेकआउट कर सकते हो इस कोर्स को। तो 24th नंबर पर हमारा आता है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या होता है कि जो बायो इन्फॉर्मेटिक्स जो कि जीन के ऊपर होता है, DNA को स्टडी करते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायो इन्फॉर्मेटिक्स पॉपुलर है, थोड़ा बहुत पॉपुलर है, बट इतना नहीं है, ठीक है। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स हर स्टडी में एक इन्वॉल्व होता है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स एक टॉपिक होता है, सब्जेक्ट भी होता है, एक करियर भी है इसमें, तो आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है 25th नंबर पे BTech। यस, आप इंजीनियरिंग भी कर सकते हो अगर आपने बायोलॉजी लिया है। तो इसमें क्या होती है, मैथ्स की ज़रूरत नहीं होती है, बट हाँ थोड़ा बहुत मैथ उसमें इन्वॉल्व होता है, क्योंकि इंजीनियरिंग की डिग्री है, मतलब मैथ थोड़ा बहुत होता है। तो मैं आपको डिटेल में फ्यूचर में बता दूंगा कौन कौन सी बीटेक की डिग्री होती है। मैंने पहले तो आपको बताया कि फूड टेक्नोलॉजी में आप बीटेक कर सकते हो, ठीक है, तो इसको कर सकते हो। बायोटेक्नोलॉजी होती है, जो बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी भी होती है, जो कि आप कर सकते हो, वो भी आपको बायोलॉजी स्टूडेंट के बाद, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 26th नंबर पर आता है हमारा फॉरेस्ट साइंस, ठीक है, या फिर फॉरेस्ट सर्विस, फॉरेस्ट मैनेजमेंट, कुछ भी होता है। फॉरेस्ट जो होता है, आजकल क्या होता है कि फॉरेस्ट को ख़त्म किया जा रहा है, उसको काटा जा रहा है, तो उसी के ऊपर फॉरेस्ट के अंदर क्या क्या रिसोर्सेज होती हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसको रिसर्च, उसको पढ़ने के लिए आप एक फॉरेस्ट एक्सपर्ट बन सकते हो, ठीक।
तो इसके लिए आपको ये फॉरेस्ट मैनेजमेंट की डिग्री आप कर सकते हो। नेक्स्ट 27th नंबर पे हमारा आ जाता है डिफेंस सर्विसेज। डिफेंस सर्विसेज, डिफेंस में आना किसको पसंद नहीं है, हर इंसान को एक ड्रीम होता है कि डिफेंस में जाना। पर डिफेंस में भी आ सकते हो आप, NDA कर सकते हो, उसके बाद डायरेक्टली एंट्री जो होती है उसमें जा सकते हो। आपने 12th के बाद कोई भी कोर्स लिया हो आप कर सकते हो, ठीक है। आप एयरफोर्स में जा सकते हो, नेवी हो गया, फिर आर्मी हो गया। नेक्स्ट 28th नंबर पर हमारा आ जाता है मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी क्या होता है कि जो लैब असिस्टेंट्स जो होते हैं, लैब टेक्नीशियंस जो होते हैं, वो क्या करते हैं, ये डिग्री को करते हैं, ये होता है, इस डिग्री का नाम है BMLT डिग्री, ठीक है, बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। बहुत कम पॉपुलर है बट हाँ इसकी ज़रूरत हर फील्ड में पड़ती है, ध्यान रखना, ठीक है। तो 29th नंबर पे हमारा जो होता है वो होता है होटल मैनेजमेंट। होटल के बारे में किसको नहीं पता, होटल मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा पॉपुलर डिग्री है। ये एक्चुअली जनरल डिग्री है, कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं है, ये 3 साल की डिग्री होती है। जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, जो 3 साल की जो डिग्री होती है वो ज़्यादातर जनरल डिग्रीज होती है, तो 4 साल उससे ज़्यादा होती है वो ज़्यादातर प्रोफेशनल डिग्रीज होती है। नेक्स्ट हमारा 30th नंबर पर आता है ट्रैवल एंड टूरिज्म। ट्रैवल टूरिज्म मैनेजमेंट आप कर सकते हो, इसके बाद जाके आप बहुत कुछ स्कोप बढ़ जाता है, ठीक है आपका। नेक्स्ट 31 नंबर पे हमारा आता है एनिमेशन और फिल्म मीडिया जो होता है उसके ऊपर भी आप कर सकते हो। एनिमेशन एंड फिल्म मीडिया VFX बहुत ज़्यादा पॉपुलर है आजकल, हर फिल्म इंडस्ट्री में ये ज़रूरत होती है और हर फिल्म आर्टिस्ट जो होता है वो अपग्रेड करता है अपने आप को। कैसे कैसे नई मूवीज़ आती है आप देखते हो, एवेंजर्स की मूवीज़ एक एनिमेशन और VFX आर्टिस्ट एनिमेशन के थ्रू एक मूवी में जान जान लेते हैं, ठीक है, आप देख सकते हो इस कोर्स को भी। देन 32 नंबर पर आता है मैनेजमेंट कोर्सेज जो होता है, MBA, BBA होता है, MBA होता है, आप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट 33 नंबर पे हमारा आता है जर्नलिज्म एंड मास मीडिया। जर्नलिज्म एंड मास मीडिया किसको नहीं पता, TV में जर्नलिस्ट होते हैं वो सब होते हैं जर्नलिस्ट, मास मीडिया भी एक और होती है कि आप न्यूज़पेपर जो एडिटर होता है या फिर राइटर होता है वो भी आप बन सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो 34th नंबर हमारा लास्ट जो होता है वो होता है फाइन आर्ट्स। फाइन आर्ट्स क्या होता है कि जो कि ये स्किल बेस्ड नॉलेज होता है, मतलब आपको अगर पसंद है राइटिंग करना तो आप फाइन आर्ट्स में कर सकते हो। आर्टिस्ट, पेंटिंग, वो सब होता है फाइन आर्ट्स में आता है। कारपेंटर वो सब थोड़ा बहुत आता है, वो सब फाइन आर्ट्स में आ जाता है, ठीक है। जो म्यूज़िक को जिसको पसंद है, डांस पसंद है, ये सब में आता है, ठीक है। तो ये सब कर सकते हो आप, बहुत ज़्यादा वाइड करियर ऑप्शन है। इतना करियर ऑप्शंस तो मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करके मिला है, बट इससे ज़्यादा भी करियर ऑप्शंस हैं, ठीक है। पर ये जो जनरल करियर ऑप्शंस है ये एक लोगों को पता होना चाहिए, बायोलॉजी स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि हाँ ये ऑप्शंस होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि खाली मेडिकल पर फोकस करते हैं, खाली नीट पर फोकस करते हैं, इससे क्या होता है कि वो बाकी करियर ऑप्शंस को भूल जाते हैं और उनको अवॉइड करते हैं। इसके वजह से क्या होता है कि वो अगर वहाँ पर नहीं हो पाया, सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो दूसरा करियर ऑप्शंस पर वो जंप नहीं कर सकते, उसको बारे में जानते भी नहीं है, ठीक है। तो मैंने इसीलिए ये वीडियो बनाया ताकि आपको पता चले कि खाली नीट नहीं है, डॉक्टर नहीं है, MBBS नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं जो कि आप कर सकते हो फ्यूचर में। ये करियर ऑप्शंस हर 12th के स्टूडेंट को पता होना चाहिए, हर बायोलॉजी के स्टूडेंट को पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको हर करियर ऑप्शंस पे डिटेल वीडियो बनाना हुआ, तो डिटेल वीडियो से क्या होता है कि आपको पता चल जाएगा कि कौन से कोर्सेस हैं, कौन से एग्ज़ाम्स हैं, कौन से टॉप पॉपुलर कॉलेजेस हैं, ठीक है, कैसे एडमिशन लेना है। हर वीडियो में आपको एक नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन मिलेगा जो कि आपको काम आएगा, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन भी दबा देना ताकि हमारी नई वीडियो आए तो आपको नोटिफाई हो जाए। थैंक यू दोस्तों।